औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मुराद अली शाह। मैं अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम देखने का, सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बनाएंगे दाल करेला। ये दाल है उबली हुई है और ये करेला है। इस तरीके से बारीक काट देना है और ये उसके बाकी मसाले, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, कुटी हुई मिर्ची, साबित धनिया, साबित जीरा, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, लहसुन अदरक, नमक, इन सब चीज़ों को मिलाते हैं और दाल करेला बनाते हैं। दिखाते हैं आपको। ये जिगी हमने रख दिया, गरम हो गया। डालते हैं करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले करेले को फ्राई करेंगे और उसके बाद अगला काम करेंगे। दिखाते हैं फ्राई होना जी। अल्हम्दुलिल्लाह, करेला ब्राउन होने वाले आप देखें। करेले पकाते वक्त दो बातों का ख्याल रखें। एक तो घी या तेल ज़्यादा होना चाहिए और दूसरा, जब आप करेला काटते हो तो नमक बिल्कुल न लगाया करें। जब आप नमक लगाते हो तो और भी कड़वा हो जाता है और इतना पानी छोड़ जाता है कि फिर करेला सही तरीके से पकता नहीं है, ब्राउन नहीं होता। ये देखें, इसको नमक बिल्कुल नहीं लगाया और ये फ्राई के साथ बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, कड़वा पानी इसका ख़त्म हो जाता है। इसको रखेंगे सेट पे और तड़का लगाएंगे। दिखाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, करेला सारा निकाल दिया। इसको रखेंगे सेट पे और ये जो घी है इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा ब्राउन करेंगे। लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, प्याज ब्राउन हो गया हल्के से। इस टाइम पर डालेंगे लहसुन अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलाएंगे साथ में, तो पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। इस टाइम पर डालते हैं हरी मिर्ची, टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में डालेंगे नमक। पानी डालेंगे थोड़ा सा। पाँच मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे। 5 मिनट के बाद देखते हैं। 5 मिनट पहले हमने ढक्कन लगाया हुआ था, हटा के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, टमाटर पकने वाले, थोड़ी देर और पकाएंगे इसको। हमने टमाटर की बुनाई कर दी। इस टाइम पे डालेंगे मसाले, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे चम्मच से कम हल्दी पाउडर, आधे चम्मच से कम धनिया पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्ची, गरम मसाला आधा चम्मच, आधा चम्मच साबित धनिया,
एक चुटकी साबित जीरा मिलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा पानी डालते हैं। मसालों की भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट। मसालों की भुनाई हो गई, टाइम पे डालते दाल उबली हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलाएंगे साथ में। चार पाँच मिनट इसकी बुनाई कर दें जी। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हमने दाल की बुनाई की। आप देखें दाल का कलर माशाल्लाह जी। सब के सब बात मिलाते हैं साथ में। इस टाइम पे डालते हैं करेला, जो हमने फ्राई किया था करेला बग़ैर नमक का, डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलाते साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बोलते कि करेला कड़वा होता है तो इस टाइम पे 2 चम्मच दही का डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही का खटास करेले का कड़वाहट को ख़त्म कर देगा। चूल्हे को हल्का करेंगे, बिल्कुल बारीक, और रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, दम पे। उसके बाद डिश आउट करते हैं, प्लेट में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालते हैं अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर रखेंगे, खीरा रखेंगे, रखेंगे टमाटर वाला फूल, अल्हम्दुलिल्लाह। दाल करेले की सब्जी बन गई। आप भी बने इसी तरीके से, ऐसी मसालों में। इंशाल्लाह आपका दाल करेला लाजवाब होगा। अल्लाह आपका नसीब करे प्रोग्राम देखने का। शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का टाइम यहीं तक था। अभी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोस का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों और बच्चों का ख्याल रखें, और हमें अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।